रक्षक निरीक्षक हो। आइए देख रहे हैं ये सब होने थे। लाओ झाड़ू कहाँ है, हमें लोग इसको शुरू करें। निरीक्षण कर रहे हैं सफाई का, खास तौर से क्या पाया आपने? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो 2014 के बाद जब देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने स्वच्छता अभियान का आह्वान किया इस हिंदुस्तान के देशवासियों से, तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जो गंदगी मुक्त हिंदुस्तान हो, सफाई युक्त हिंदुस्तान हो, भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान हो, जातिवाद और संप्रदाय मुक्त हमारा हिंदुस्तान हो। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज देश के बापू महात्मा गांधी जी की जयंती है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, और उसके अवसर पे आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक पखवाड़ा शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये चलाया जा रहा है, सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें स्वच्छता अभियान को लेकर आज 2 अक्टूबर बापू के जन्म दिवस के अवसर पर स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम पूरे प्रदेश और देश में है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हाथरस जनपद के प्रभारी होने के नाते कल ही से हम लोग कैंप किए हुए हैं। यह हमारे माननीय विधायक जी हैं, हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब हैं, हमारे सभासदगण हैं, और हम लोग सुबह से 6:30 हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, सुबह 6:30 बजे से पूरे नगर का हम लोग निरीक्षण और भ्रमण कर रहे हैं कि हमारा स्वच्छता अभियान किस कदर पे है। और काफ़ी हद तक हम लोगों ने देखा कि सुबह रात से ही प्रत्येक दिन जहां हम लोग घूमे हैं लोगों ने कहा कि सफाई कर्मी चेयरमैन साहब विधायक जी जिलाध्यक्ष जी सबके नेतृत्व में यहां सफाई का काम चलता है और वही निरीक्षण कर रहे हैं, कहीं कहीं पर गंदगी है उसको सफाई कर रहे हैं। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की जनता से अपील किया कि हर एक व्यक्ति स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग करें, अपना 1 घंटा 2 घंटे का समय और अपना महत्वपूर्ण योगदान करें, ताकि हमारा हिंदुस्तान दुनिया के मानचित्र पर सबसे शक्तिशाली देश और स्वच्छता के क्षेत्र में सबसे अग्रणी देश बनकर के उभरे। और उसी दिशा में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारा हिंदुस्तान चल पड़ा।